नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से कई जगह से, हर एक जगह से बिहार में शराब की तस्वीरें और माफियों का पकड़ा जाना आम बात है। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर बिहार में वैसे तो कई वर्षों से शराबबंदी है, पर शराब माफिया इस कानून की किस तरीके से लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं ये आप सब जानते हैं। ताज़ा मामला जिले के मनियाड़ी थाना क्षेत्र के मेथरापुर गाँव के सामने आया है, जहाँ इस समय कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद है। ऐसे में शराब तस्करों का चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है। उन्होंने स्कूल को ही शराब का गोदाम बना लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और वहां से 90 लीटर विदेशी शराब का 10 कार्टून बरामद की। मथेरापुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा हुआ था। यहां सामने से देखने पर स्कूल बंद पड़ा था, लेकिन परिसर के कमरों को शराब तस्करों ने गोदाम बना लिया था। गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने यहां से अवैध विदेशी शराब बरामद की। स्कूल के अंदर से शराब मिलने से लोग हैरान रह गए। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। भारी संख्या में शराब मिलने पर पुलिस ने पिकअप वैन को बुलाया और शराब को जब्त कर ले गई। बताया जा रहा है कि शराब की 10 कार्टून बरामद की गई है। हालांकि ये शराब किसकी है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। उत्पादन विभाग के दरोगा दीपक कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। जी, उन्हीं के सूचना के तहत पे आपका एक गांव है, आपका मेथुरापुर मनियारी थाना के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ से लाने के संभावित मतलब बात हो रही है उस पकड़े हुए जब्त पदार्थ की, तो वहाँ भी छापामारी की गई है। एक्चुअली वस्तुता हुआ, स्कूल जो है पंचायत भवन को दिया गया था 10 साल पहले तैयार जो है, लेकिन उसी में भूसा के ढेर से 90 लीटर अवैध विदेशी शराब का बरामदगी की गई है। दो फरार व्यक्तियों पर भी अभियोग दर्ज किया गया, संजय राय और लालदेव राय। स्थानीय थाना रहते हुए कितना टफ होता है आप लोगों को शराब पकड़ना, क्योंकि शराब तस्कर तरह तरह के धंधे अपना कर शराब की तस्करी कर रहे हैं। आपका कहना अक्षरशः सत्य है, और हम लोग जैसा पहले भी हमने कथन दिया था, इंस्पेक्टर साहब और हम लोग एक विशेष उत्पाद समन्वय दल के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति कटिबद्ध हैं। इस कारणवश इस चीज़ का मलाल नहीं होता है कि यह रात है या दिन है, क्योंकि यह जिला इस मामले में अति संवेदनशील है। हमारी कार्यशैली हमेशा तत्परता के साथ रहती है। इसी यह में हम लोगों ने ये दो कम समय में मतलब दोनों का दो केस दर्ज किए, और आगे इससे संबंधित जितने भी अभियुक्त हैं उसके बारे में हम लोग गिरफ्तारी के लिए कटिबद्ध हैं। आपने सुना कि दीपक कुमार क्या कुछ इस मामले पे कह रहे हैं और आगे की क्या कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव सिटी, हमारे साथ बने रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें Facebook पेज पे लाइक करें और आप हमें Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।